एवरीवन, वेलकम टू बोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा, जिसके लिए हमने 1.5 कप ये सत्तू लिया है, ग्रेटेड अदरक है, 2-3 इंच अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है, 10-12 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च को हमने कूट लिया है। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा इसमें यूज़ करेंगे। 1 प्याज कटा हुआ बारीक हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम आम का अचार डालेंगे इसके अंदर। अजवाइन आधा चम्मच और आधा चम्मच ही कलौंजी हमने क्रश करके डाल दिया है। और इधर देखिए, हमने 3 टमाटर को ऐसे भुनना रख दिया है। ये एक टमाटर मैं दिखाऊँ आपको, भुन गया है। इसका बाद में हम छिलका उतार लेंगे, जैसे बैंगन भूनते हैं वैसे हम ये टमाटर भून लेंगे। ये देखिए, हमने ये अदरक और ये डाल दिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि अचार भी डाल रहे हैं ना, तो उसमें नमक हम कम ही डालेंगे। और 2 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें सरसों का तेल, कच्चा ही डालेंगे, इसका फ्लेवर अलग आता है। ये ऑथेंटिक तरीके से जब बनाते हैं ना, तो कच्चा ही तेल डालते हैं, तो 2 ही चम्मच टीस्पून डालना है। ये 1 फांक हमने अचार की ली है और 1 चम्मच मसाला, इसको हम अच्छे से ना ऐसे मैश कर लेंगे। और ये सारा ऐसे मैश करके हम इसमें डाल देंगे। अगर आपका ये अचार कम खट्टा है ना आम का, तो आप फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इसको हाथ से ऐसे अच्छे से मैश कर देंगे, मिक्स करेंगे। इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए, अच्छे से धोकर हमने धनिया को काट लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग बनके हमारी लिट्टी के लिए तैयार हो जाएगी। ये ना थोड़ा खट्टा कम लगा, इस समय हमें टेस्ट करके देख लेना चाहिए। और थोड़ा सा नमक भी हमें कम लगा, और मैं थोड़ा इसमें सरसों का तेल और डाल रही हूँ। 2 चम्मच सरसों का तेल ना मैंने और डाला है, तो इससे ना थोड़ा सा खट्टापन आएगा ना, और नमक थोड़ा तीखा रहे इसमें, तभी आपको अच्छे से टेस्ट का पता चलेगा। यानी ऐसे बनने लग गया, देखिए। तो ये इस तरह से अचार पूरा अच्छे से हाथ से हम मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग तैयार हो जाएगी। अब ये स्टफिंग ना खाने में बिल्कुल परफेक्ट है, खट्टा, नमक तीखा। आप अचार का इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, जो अचार में ऑयल होता है ना, तो वो भी आप सीधा डाल सकते हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये देखिए, 2 बिल्कुल फ्रेश हमारे इसमें खेत में बैंगन लगे हैं, वो मैंने ले लिए हैं। इसमें 1 कट लगाया है और अंदर तक आप देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल सफ़ेद है, क्योंकि ये बैंगन मैं बना चुकी हूँ और इसमें 1 भी बीज भी काला नहीं है। इसके अंदर ना हम ऐसे लहसुन की कलियां जो हैं, 2 इसमें और 2 इसमें बैंगन में ऐसे डाल देंगे, ठीक है। बैंगन पे ना हमने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है, और देखिए आप कितने अच्छे से लहसुन की कलियां इसके अंदर आ गई। आप ऊपर से भी आप सेक सकते हैं लहसुन, अगर ऐसे नहीं डालना चाहते तो आप ऊपर से भी आप सेक सकते हैं, जैसे हमने टमाटर को सेका है। हमने इसमें 2 स्लेट किए हैं। एक तरफ मैं ये हरी मिर्च डाल देती हूँ। और ये अच्छे से मैंने ना चेक कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बैंगन है। ये देखिए, मैंने अच्छे से दोनों हाथ से, अभी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा है, मोबाइल से पकड़ा है, बट मैंने इसको अच्छे से पहले चेक कर लिया है। तो अब हम ये जो है बैंगन, इस पे भुनने के लिए रख देंगे गैस पे, जैसे टमाटर भुन गए। और यहाँ मैंने ना 6 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, 3 हमने भून लिए हैं और ये भी हम भूनने के बाद आपको दिखाएंगे। तब तक हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और बैंगन को भून के दिखाते हैं आपको। ये उबला आलू मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, आप 3 भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा आलू इसमें कम डाल रही हूँ। उबाल लिया है, इसको भी अच्छे से मैश करेंगे, मैश करते हुए आपको दिखाएंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से भुन गए। अब हम इनका ना ऐसे पूरा छिलका उतार लेंगे, इसको छिलका उतार के अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। देखिए, इतना अच्छा भून जाता है कि ऐसे पतला बिल्कुल मैश हो जाता है। ऐसे ही हमने 1 बैंगन भून लिया है, 1 हमारा भुनना रखा है, मैं आपको दिखाऊं। बिल्कुल इतने कच्चे बैंगन है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट, आप देखिए बिल्कुल अंदर तक, और ऐसे ही इसके अंदर ये सब पक गया है। मिर्ची दिखाऊं मैं आपको, गर्म है, ये देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर पक गई है मिर्ची, और बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम वाइट बैंगन है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से इसको भून लेना है, दूसरा बैंगन भी भून जाएगा।
ये लिया है हमने 2 कप आटा, आधा चम्मच अजवाइन हमने क्रश कर ली है, 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने अंदर स्टफिंग में भी डाला है। इसको पहले अच्छे हाथ से ऐसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना टाइट डो लगाएंगे, काफ़ी टाइट इसका डो लगाएंगे। ठीक है, तो ये टाइट होगा ना तो ये अच्छे से क्रिस्पी होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हम इसका टाइट डो लगाएंगे। देखिए इस तरह से मसल मसल के ना टाइट डो लगाएंगे। ये देखिए इतना टाइट ही डो होना चाहिए, है ना, जैसे पूरी का बनाते हैं ना टाइट डो, उस तरह का है। और बैंगन भी हमने छील लिए हैं और मैं दिखाऊं आपको, देखिए कितना ये ऐसे सॉफ्ट हो जाता है, तो इसकी खुशबू उसमें लहसुन की अच्छे से आ जाती है। मिर्च भी देखिए आपकी इस तरह से सॉफ्ट हो गई है ना। तो जब आप हाथ से मैश करेंगे ना इसको तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए जो लहसुन मिर्च उसमें से निकली ना, हमने उसको ऐसे कूट लिया पहले अलग से, ताकि बीच में साबुत ना रह जाए। बैंगन आपको दिखाऊं बिल्कुल साफ है, बहुत गर्म है। आलू को हमने मैश कर लिया है, ये बैंगन थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम टमाटर भी छील चुके हैं, बस सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए एक बाउल में हमने बैंगन को मैश कर लिया है, आलू ले लिया है उबला हुआ, नमक ले लिया है, थोड़ा ग्रेटेड अदरक लिया है। अगर आप कच्चा अदरक नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। लहसुन अदरक मैंने कच्चा न लेके ये इस तरह से पका लिया है, जिसको कूट लिया है, एक बारीक प्याज को काट लिया है, और हरा धनिया आप जितना चाहें डाल सकते हैं। तो मैं भी ये 1/4 कप के करीब हरा धनिया डाल रही हूँ। ऊपर से हमने इन टमाटर को लिया है ना, जो ऑलरेडी हमने भून के रखा है। 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का कच्चा तेल, और बस अब हमें ना हाथ से मैश करना है। आपको लगेगा कि ये कैसे लेकिन ऑथेंटिक तरीका यही है कि हम इसको हाथ से मैश करेंगे। बहुत अच्छे से चारों तरफ से मैश करेंगे, यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत अच्छी है। आलू जहाँ बड़ा है उसको ऐसे अच्छे से मैश कर दीजिए, हाथ से अच्छे से मैश करना है इसको, है ना। अगर आपने कभी लिट्टी टेस्ट नहीं की है, चोखा नहीं खाया है और आपको ये पसंद नहीं आया है, तो प्याज टमाटर आप जैसे भरता बनाते हैं वैसे भी भून कर, हल्का सा प्याज लहसुन को भून कर इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं आपको पारंपरिक तरीके से कैसे बनाते हैं वैसे बता रही हूँ, और इससे मैं हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है, मैंने नमक टेस्ट कर लिया है। और कच्चा लहसुन नहीं डालेंगे, ऐसे भून के डालेंगे ना तो उसकी स्मेल भी नहीं आएगी। हाँ आप अगर थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं, मेरे देसी टमाटर थे तो खट्टापन अच्छे से आया है। अगर आप थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने लोइयां बना ली है और अब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। लोई में सूखा आटा लगा लिया है और इसको इस तरह से ना कटोरी शेप में बना लिया है। ये मेरी हेल्पर हैं जो मदद करती हैं, बताती हैं। इसके अंदर हम डालेंगे ये सत्तू, जिसकी फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी है, अच्छे से इसको भरेंगे, है ना, फिलिंग को चारों तरफ से दबाते हुए ना इसको, और पैक करेंगे। देखिए ऐसे दबाते हुए, तो आप फिलिंग कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी जैसे आप पराठा भरते हैं वैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये गोल चाहिए इस टाइप से, है ना। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना इसका वो निकाल देंगे। और इसकी ऐसे लोई जैसे ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा इसको गोल कर लेंगे। और ये देखिए अब हम इसको गैस पे रख देंगे, तो इस तरह से सारी बना लेंगे। और मैंने ये बाटी वाला कुकर गर्म होने रख दिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से रखते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक जैसे हमने ये बनाई तो एक गोल बना लिए दोनों तरफ से, कितनी स्मूथ बन गई है। और अजवाइन वगैरह डली होती है तो बहुत ही बढ़िया लगती है, तो थोड़ा चपटी भी बना सकते हैं ऐसे, ये गोल भी बना सकते हैं। एक और मैं आपको बना के बताती हूँ, देखिए
इस टाइप से आप इसको गोल बनाएंगे। इसके अंदर फिर ये स्टफिंग भरेंगे अच्छे से, और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनती हैं। बस आप बना कर देखिए, कोशिश कीजिए। आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट्स में कहीं भी मिल जाती है। वैसे ये बिहार का फेमस फूड है। तो ये देखिए, इसको पैक कर देंगे अच्छे से। हर एक का अपना फीलिंग भरने का ना अलग स्टाइल होता है, तो आप अपने स्टाइल से कर सकते हैं। बस पर्पज़ ये है कि उसमें क्रैक्स ना आए, सॉफ्ट बने अच्छे से, ताकि वो खराब ना हो बन के ना। तो इस टाइप से आप एक्स्ट्रा आटा उसका ऊपर से निकाल दें और स्मूथ करें उसको फिर ना। ये देखिए, ऐसे टर्न करके तोड़ लें और बस गोल कर दें। ये देखिए, इस टाइप से ना हम सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो बहुत अच्छे से बन जाती हैं। बीच बीच में ना हम ऐसे चेक करते रहेंगे, नीचे से फ्लेम आ रही है, देखिए ये क्रिस्पी ऐसे होती जाएंगी। अभी ये नहीं हुई है, हल्की हुई है, ये गोल है जैसे बाटी बनाते हैं वैसे, ये थोड़ा सा चपटी बनाई है। तो हर एक का अपना अलग स्टाइल है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इसको हम फिर कवर कर देते हैं और फिर सिकने देते हैं। ये मैं बाटी कुकर में बना रही हूँ। तो ये चेक कर लेते हैं, और ये देखिए, अभी जितनी आपको बनानी है ना उतनी आप साथ साथ गर्म कीजिए, बनाइए, खाइए। ये देखिए कितनी अच्छी, जो हमने फ्लैट बनाई थी थोड़ी सी, वो भी कितने अच्छे से सिक गई है। और ये भी देखिए, चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक रही हैं, जहाँ से आपको लगता है आप थोड़ा सा कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी। इसको घी में डिप करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब अच्छे से ये हो गई हैं, और अब मैं इनको घी में डिप करके आपको दिखाती हूँ। जो घी का बाउल है ना, जितना, अगर आप घी नहीं खाते ना तो आप नहीं भी लगाइए, प्लेन खा सकते हैं, बट ज़्यादा घी ना लगे, बस हल्का सा आप इसको डिप कर लें तो इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया ये चारों तरफ से कोट हो गई है, और हम अपनी थाली में इसको रख देंगे। ये पहले से बनी हुई है। एक और हम ऐसे देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हैं, आपको मैं दिखाऊं, देखिए बहुत क्रिस्पी बनी है। तो ये गाय का घी है, उसमें कोट करते हैं चारों तरफ से, और इतनी गर्म है ना ये कि आपको घी गर्म करने की ज़रूरत नहीं, देखिए अपने आप पिघलना शुरू हो गया घी। तो बहुत हल्का सा, जैसे आप चपाती पे लगाते हैं उतना ही है, बट अगर फिर भी आप नहीं खाते हैं ना तो आप स्किप कर सकते हैं, सूखी भी ले सकते हैं अगर आपको घी खाना मना है तो। ये देखिए कितनी बढ़िया ये बाटी बनकर तैयार है हमारी। चटनी और रखते हैं हम इसमें, और ये देखिए हमारी ये यम्मी सी लिट्टी चोखे की थाली बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी है, हरी चटनी है, बेसन वाली मिर्ची भी मैंने रख दी है, मिर्च फ्राई भी है, प्याज है, नींबू है, बहुत ही बढ़िया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।